गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी भाषा शिक्षण में एक नया क्वेश्चन को विस्तार कर सकते हैं, ठीक है, जो ग्रेड फर्स्ट ईयर में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं, ठीक। तो अब प्रश्न यह है, भाषाएं समाज में पहचान का माध्यम है, कैसे? अर्थात जो हम भाषा बोलते हैं, जैसे कोई व्यक्ति बोल रहे हैं और दूसरा व्यक्ति क्या कर उसको सुन रहे हैं, सुनने के बाद वो क्या करेगा, उसका आंसर देगा। अर्थात एक व्यक्ति अपनी भाषा को दूसरी तक पहुंचाता है और दूसरी उसको सुनकर उसका आंसर प्रदान करता है, वही क्या है, भाषा। तो उस भाषा को समाज में पहचान का माध्यम कैसे माने? अब देखिए, जैसे कोई देश है, ठीक है, कोई देश है, क्या है, भारत, क्या है, भारत, हम लोग अपना देश ले लेते हैं भारत। दूसरा देश है इंग्लैंड, अमेरिका, चीन, नेपाल, तो सबकी क्या है, भाषा का एक पहचान। कोई व्यक्ति अगर अप्रवासी, मतलब दूसरे देश का व्यक्ति अगर कहाँ आता है, हमारे भारत देश आता है, ठीक है, भारत देश आता है, अब उनकी जो बोली और भाषा क्या रहेगा, हमारे भारत देश से अलग रहेगा। जैसे हमारी भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी, और जो दूसरे देश से आ रहा है उनकी भाषा तो अलग है। तो उनका ही पहचान का क्या है, माध्यम क्या है, अपनी भाषा है। तो प्रश्न क्या है, भाषाएं समाज में पहचान का माध्यम कैसे, अब इसको स्पष्ट करते हैं। तो उत्तर हमारा यह है, जिस प्रकार पहचान बनाए रखने के लिए अपेक्षाकृत नए प्रवासी भारतीय अपने पूर्वजों की भाषा को सजाए, मतलब जो हमारे भारत देश के लोग हैं, जो आज भी अपने पूर्वजों के माध्यम से पूर्वजों द्वारा कही गई बातों को आज भी दोहराई जाती है, आज भी सजा कर रखे हैं, सजा कर रखना अर्थात पूर्वजों का जो भाषा है उसको आज भी हम उसी परंपराओं के आधार पर क्या करते हैं, बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम जो बोली बोल रहे हैं, जो भाषा बोल रहे हैं, किसके द्वारा बनाया गया, हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया, ऐसा कि नहीं हमने जन्म लिया और दूसरी भाषा का आविष्कार किया, ऐसा नहीं। हम जो भाषा बोल रहे हैं, बोली बोल रहे हैं, कहाँ से, जो हमारे पूर्वजों ने बोली है, भाषा लिखी है, बोली है, वही क्या है, आज भी हम उसको बोल रहे हैं और सुन रहे हैं, सुनकर क्या कर रहे हैं, उस भाषा को व्यक्त कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं एक दूसरे के माध्यम से, अपनी दिनचर्या या जो भी हमारी दिनचर्या के माध्यम से व्यक्त हो रहा, उसी भाषा का हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, ठीक। तो क्या कहते हैं, जिस प्रकार पहचान बनाए रखने के लिए, जिस प्रकार किसी व्यक्ति को अपना पहचान बनाने के लिए भाषा अत्यंत उपयोगी है, अपने पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने के लिए भाषा क्या है, अत्यंत उपयोगी, ठीक। तो क्या नए प्रवासी भारतीयों के पूर्वजों की भाषा को क्या किए हैं, सजा कर रखे, आज भी उसी पूर्वजों के आधार पर जो भाषा बोली जाती है उसको क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं और व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद उसी प्रकार अन्य समुदाय के लोग, उसी प्रकार क्या है, अन्य समुदाय के लोग भी अपनी मातृभाषा को बचा कर रखे। अब देखिए, भारत कैसा देश, बहुभाषी देश, भारत कैसा देश है, मैं पिछली क्लास में बताया था, भारत कैसा देश है, बहुभाषी देश है, और बहुभाषी देश होने के साथ साथ भारत में अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग, साथ ही साथ अलग अलग भाषा भाषी बोलने के लोग भी कहाँ निवास करते हैं, इस भारत देश पर निवास करते हैं। तो उन्होंने भी क्या किया है, अब जो अलग धर्म के लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म के लोग हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो कहाँ से आएगा भाषा, उनके पूर्वजों ने जो भाषा बताया था, जो भाषा व्यक्त किया था, वही भाषा आज भी क्या है, प्रचलित में है, ठीक है। मतलब क्या कह सकते हैं कि जो पूर्वजों से जो चली आ रही हमारी परंपराओं की जो भाषा है उसको भी आज क्या कर रहे हैं, आज के लोग उसको व्यक्त कर रहे हैं, ठीक। अर्थात उसी प्रकार अन्य समुदाय के लोग ने भी अपनी मातृभाषा को क्या करके रखा है, बचा के रखा है, अलग अलग जो धर्म के लोग हैं, प्रत्येक अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोली बोलने वाले जो लोग हैं, अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया है, भाषा को अपने पूर्वजों के माध्यम से क्या किया है, बचा कर रखा है। और वही जो नई पीढ़ी, आज जो हम भाषा बोल रहे हैं उसको अगर कोई नई पीढ़ी आते हैं कहाँ, भारत,
युवा की नई पीढ़ी क्या करेंगे, इस भाषा का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि नया पीढ़ी आया और भाषा को पूरा बदल कर कुछ नया भाषा रख दे, या नए जो पूर्वजों ने कही गई भाषा उसको क्या करना व्यक्त किया जाए। ठीक, तो यह स्पष्ट हुआ भाषाएं समाज पहचान का माध्यम है नहीं? जो व्यक्ति का माध्यम क्या है, भाषा है, वह उसकी क्या है, पहचान है। भाषा ही व्यक्ति का क्या है, पहचान है। या भारत का, या भारत के अलग अंतर्गत जो राज्य है, उस राज्य का वह इस व्यक्ति उस राज्य का कर करते उसका क्या होता है, माध्यम, पहचान का माध्यम बन जाता है। जिस प्रकार अपना वो व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी को कहाँ से व्यक्त करते हैं, भाषा के माध्यम से। वह समाज में अपने स्थान रखते हैं, पहचान बनाता है, इसके माध्यम से भाषाएं की। ठीक, तो यह वह दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। स्पष्ट कीजिए कि एक व्यक्ति जिसे भाषा पढ़ना लिखना नहीं आता, वह भाषा ज्ञानी नहीं है। अर्थात देखिए, वह व्यक्ति जिसको पढ़ना लिखना आता ही नहीं, क्या वह भाषा से ज्ञान, वह बोल नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा, भाषा को व्यक्त नहीं कर पाएगा, यह गलत है। ठीक, तो इसको हमको क्या करना है, स्पष्ट करना है। स्पष्ट क्या करना है, एक व्यक्ति जिसे भाषा पढ़ना लिखना आता ही नहीं, वह भाषा जो बोल रहा है, जैसे किसी कॉपी में हम लिख कर दे दें, हिंदी भाषा शिक्षण का कॉपी दे देंगे, तो क्या आम आदमी को पढ़ना लिखना नहीं आता वो पढ़ पाएगा, जिसको पढ़ना नहीं आता वो पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। अगर लिखना नहीं आता तो वह लिख पाएगा, नहीं लिख पाएगा, लेकिन उसको बोल चाल की भाषा को क्या कर सकता है, व्यक्त किया जा सकता है या कर सकता है। कैसे, तो देखिए, यह सत्य है कि जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता वह भाषा अज्ञानी नहीं है, अर्थात वह भाषा का ज्ञानी नहीं है। ठीक, वह पूरी तरह से अपनी भाषा या भाषाएं समझ वह बोल सकते हैं, वह पूरी तरह से अपनी भाषा को, अपने देश की भाषा, अपने राज्य की भाषा, अपने आसपास की भाषा, अपनी बोली को क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, चाहे वह पढ़े लिखे हो या ना। भाषाएं बोलने के लिए जरूरी नहीं है पढ़ना या लिखना, भाषा के को बोलने के लिए क्या जरूरी है, पहचान जरूरी है। भाषा को बोलने के लिए क्या जरूरी है, पहचान। अर्थात देखिए, अपनी भाषा भाषाएं समझ में बोल सकता है, उनमें कहानी कविता कह सकता है, उनमें कहानी कविता कहने की क्षमता हो। ऐसा नहीं कि वो पढ़ा लिखा नहीं है तो कविता नहीं बोल सकता या कहानी नहीं सुना सकता, ऐसा नहीं, वह भी कविता लिख सकता है, बोल सकता है, सुना सकता है, कहानी सुनाया जा सकता है। ठीक, आगे देखते हैं, विवरण और इतिहास सुना सकता है। पुरानी जमाने जो अपने पूर्वजों द्वारा चलाई जा रही बातें हैं, जो पुरान पूर्वजों द्वारा कही गई बात है, इतिहास है, उसको भी क्या कर सकता है, वह दोहराया जा सकता है, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या ना हो। अब उसको जो पुरानी बात है उसको पूर्वजों ने बताया था, अगर उसको वह याद है तो उसको भी वह क्या कर सकता है, दोहराया जा सकता है। ठीक, तो कैसे दोहराएंगे, देखिए पहला विचार करना, ठीक है, ये कैसे दोहराया गया पूर्वजों की बात को। ठीक, जैसे उनके पूर्वजों ने कहा या आज डेट में क्या बोले, हमारा देश कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद। अब वो पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी उसको क्या रहेगा, याद रहेगा कि हमारा देश कब आजाद हुआ, तो 15 अगस्त 1947। फिर दूसरा दिन हमारा संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950। कोई व्यक्ति चाहे वह पढ़ा लिखा हो या ना हो, जो उनकी पूर्वजों ने बताया वह उसको क्या रहेगा, याद रहेगा। अब याद हुई देश की आजादी की बात, अब हम अपने राज्य की बात करते हैं। अब राज्य में व्यक्ति पढ़ा लिखा तो है नहीं, ठीक, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसको पता है कि जुलाई महीने में या कोई भी माह, कोई भी माह, कोई भी माह था, जैसे हमारे पूर्वजों ने क्या कहा, भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष का अयोध्या कांड कर जब वापस आए थे तो क्या होता था, दिवाली मनाया जाता था। वह क्या है, वह
त्योहार को मनाया जाता है। जैसे त्योहार में होली है कब मनाना है, दीपावली है कब मनाना, या कोई भी पर्व है, अन्य पर्व, अन्य पर्व, कोई भी पर्व, तीज त्योहार क्या रहता है, याद रखा जाता है, तब फिर भी वो पढ़ा लिखा हो या ना। ठीक, आगे देखो विवरण में क्या तो सुना ही सकता है साथी का, अपनी भाषा के साथ वो नया प्रयोग कर सकता है, अपनी भाषा के साथ वो क्या कर सकता है, नया प्रयोग भी कर सकता है। अब नया प्रयोग कैसे करेगा, देखिए मान लो कि बात एक व्यक्ति कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का, ये कहाँ है भारत, एक व्यक्ति कहाँ का है उत्तर प्रदेश, कहाँ का है उत्तर प्रदेश, ठीक, वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन अब अपनी भाषा को कैसे बदले, अब छत्तीसगढ़ का व्यक्ति कहाँ चला गया उत्तर प्रदेश, तो वह अपनी नए भाषा का प्रयोग कहाँ कर सकता है उत्तर प्रदेश में कर सकता है, और साथ साथ उत्तर प्रदेश का व्यक्ति अगर कहाँ गया छत्तीसगढ़, तो वह अपनी नई भाषा की क्या, अपनी भाषा के साथ साथ अपनी जो भाषा है, अपनी जो बोली है, राज्य की जो बोली भाषा है, उसके साथ साथ क्या करते हैं नए भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं शोषण के लिए अपनी पहचान के लिए लड़ सकता है, वह मान्यवर अगर पढ़ा लिखा नहीं है और उसके शोषण के विरुद्ध हो रहा है, उस पर अत्याचार हो रहा है, तो उसके लिए विवाह क्या कर सकता है, आवाज उठा सकता है, लड़ सकता है। ठीक, तो वह किसके आधार अधिकार के अंतर्गत आएगा, देखिए शोषण के लिए अपनी पहचान के लिए लड़ सकता है। ठीक, तो देखिए अभी हमारे जो भारत में सिद्धांत अधिकार है व्यक्ति वहां पर चर्चा, ठीक, जैसे क्या अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब एक व्यक्ति क्या है, पढ़ा लिखा नहीं, अब उसके ऊपर क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, कहीं उसको बोलने का, कहीं बैठने का, कहीं काम वगैरह करने का अधिकार नहीं मिल रहा, तब यह आप क्या कर सकता है, उसके लिए लड़ सकता है। ठीक, कानून बनाए गए हैं इसके लिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार का सबको क्या है, अधिकार है। तो क्या कह रहे हैं, देखिए यह सत्य है कि जिस व्यक्ति को पढ़ा लिखा नहीं आता, पढ़ना लिखना नहीं आता, वह भाषा ज्ञानी नहीं, सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं आने से क्या हो सकता है, वह भाषा ज्ञानी नहीं हो सकता, वह अपने बातों को, अपने विचारों को क्या कर सकता है, व्यक्त कर सकता है, कहीं भी कोई भी राज्य में आ जा सकता है, कहीं भी जाकर रोजगार किया जा सकता है, चाहे आप अपने राज्य हो या अपने देश हो या विदेश, कहीं भी जाकर वह कार्य कर सकता है, अपनी भाषा और बोली का क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। ठीक, तो इससे स्पष्ट होता है कि एक व्यक्ति जिसे भाषा पढ़ना लिखना नहीं आता, वह भी क्या कर सकता है, अज्ञानी नहीं हो सकता। ठीक, ये ठीक है, तो हमने क्या लिखा, अज्ञानी नहीं होना, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार किसके लिए, अपनी पहचान के। ठीक है, अब देखिए अपनी पहचान अर्थात हमारी पहचान क्या है, भाषा, हमारी पहचान क्या है, भाषा, हम जो भाषा बोलते हैं, हम जो भाषा बोलते हैं वही क्या है, हमारी पहचान। व्यक्ति को अपनी पर्सनालिटी या अपनी छवि को आगे लाने के लिए क्या है, जो बात करने के तौर तरीके हैं, भाषा है, उसको क्या है, उसी में क्या कर सकते हो, परिवर्तन ला सकते हैं। तो वह पढ़ा लिखा हो या ना, आज की दृष्टि से अगर देखा जाए, आज के विकास के आधुनिक युग के आधार पर देखा जाए, तो कोई व्यक्ति जो है वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, ऐसा बात करने का उसका तौर या तरीका कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, जिससे पढ़ा लिखा व्यक्ति भी क्या हो सकता है, कमजोर हो सकता है। ठीक, अर्थात क्या होगा, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी अज्ञानी कहना गलत बात है, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी हम अज्ञानी नहीं बोल सकते।
क्यों? क्योंकि उसकी जो भाषा है, बात करने के तौर तरीके हैं, वह क्या है? अलग। ठीक, तो सिर्फ पढ़ा लिखा होना, पढ़े लिखे ना होने से उसको अज्ञानी कहना उचित नहीं है। ठीक, यह स्पष्ट होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।